तुमने जो रूम सेलेक्ट किया है वो पिछले 3 साल से बंद था और कोई डेयर नहीं कर रहा था उस रूम में जाने का। देख भाई, एक एप्लीकेशन लिख, कॉलेज में जाके जमा कर दे। तीन साल पहले एक लड़का आया था उसमें, गौरव नाम का। हाँ भाई, क्यों चेंज कर रहे हो रूम? साइकोलॉजी का टॉपर है यार ये। रूम चेंज करना है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाता। कभी कोई टिकटॉक चलाता है, कभी कोई मैच चला देता है, और मुझे अकेला रहना ज़्यादा पसंद है। रूम खाली ही कहाँ है यहाँ हॉस्टल में? और एक रूम खाली तो है वहाँ पर, हम आते जाते देखते रहते हैं, उसमें ताला लगा रहता है। वही रूम नंबर 304 में। अरे उसमें रहेगा, उसमें तो कोई आत्मा का प्रकोप है। हैप्पी बर्थडे भाई। हैप्पी बर्थडे भाई। अरे क्या है भाई, मेरा बर्थडे है यार। बगल वाले रूम में अमन का बर्थडे है। सॉरी सॉरी, हद है यार। सॉरी भाई, मैं इतने नींद से। अब जब वो तुझे दिखता ही है तो फिर उसने ये भी बताया होगा कि उसके मौत का बदला किससे लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कोई आत्मावार बने यार, सब ये आत्मा पर बनाया है सब। क्या है, तुम भी और पापा करा रहे हो। पहले मैं भी नहीं मानता था, पर वक्त के साथ साथ बिलीव चेंज करना पड़ता है। मेरे गाँव के लोग कहते थे अगर किसी की अचानक मौत हो जाती है या फिर उसकी ख्वाहिश से अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वह हमेशा के लिए वही रह जाती है। अच्छा, तो फिर हर किसी की मौत अचानक ही हो जाती है और हर किसी का कोई ना कोई काम अधूरा ही रह जाता है। भाई, पर जो सच है वो तो सच है, और हमारे मानने या न मानने से बदल थोड़े जाएगा। और सच मानने में नुकसान ही क्या है? नुकसान है तुम्हारे रहने से, जिस भी हॉस्टल के लड़के में उम्मीद जगी थी वो फिर से अंधविश्वास में मानने लगेंगे। फिर से हॉस्टल में तरह तरह की अफवाह फैलने लगेगी, भूत को लेके, भूत प्रेत ये सब को लेके। साल से ये रूम बंद था, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा है। देखिए हेलीकॉप्टर उड़ा है और उम्मीद नहीं था ये मैच जीत जाएगा यार। मेरे तरफ से पार्टी तुम सबको, चलो। अरे तुम चुपचाप सो जाओ यार, यही लास्ट मैच तुमको मिला था, तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? चलो सो जाओ। लास्ट मैच कैसे हुआ? 304 रूम नंबर भी तो खाली है। हाँ वो तो खाली है, उसमें भूत रहता है ना? नहीं पता, भूत रहता है कोई? तुम बड़े भाई, मैं भी जब उस रूम के आसपास से गुजरता हूँ तो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज टाइप, कुछ किसी की आहट सुनाई देती है। लगता है जैसे कि उस कमरे में कोई है। कौन? यहाँ सब कुछ काल्पनिक है और हम सब यहाँ हेलुसिनेट कर रहे हैं। कॉलेज नहीं चलना है क्या? चलते हैं, चलो।